नाजरीन आदाब, मैं आपका मेजबान जहीर, सबसे आगे सबसे तेज आपका अपना A1 TV। A1 TV में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, LBS नगर में जबरन वैक्सीनेशन, करंट राशन कट करने की धमकी, SDPI का एहतजाज। शहर के LBS नगर में कल प्राइमरी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद, जस्का मैकेनिक शिव कुमार, लाइनमैन उपलप्पा, राशन कूपन के मालिक नागेश, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स की टीम ने वैक्सीनेशन की जबरन मुहिम चलाई है। बताया जाता है कि ये टीम मोहल्ले का दौरा करते हुए जबरदस्ती वैक्सीनेशन कर रही है। जो भी वैक्सीनेशन लेने में टाल मटोल कर रहे हैं, इसके मकान का करंट कट कर रहे हैं, राशन कार्ड कैंसिल करके राशन बंद करने की धमकी दी जा रही है। एक 75 साल खातून जुबैदा बेगम की आँख का ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से इस खातून ने वैक्सीन बाद में लेने का इरादा जाहिर किया, जिस पर इनको घर से बाहर लाकर जबरदस्ती वैक्सीन लगाया गया। इसके बाद इनके मकान का करंट कट कर दिया गया। इस तरह एक और जिसने पहले ही वैक्सीन लिया, इसको फिर वैक्सीन देने पर जबरदस्ती की गई। इस तरह अंधाधुंध वैक्सीनेशन मुहिम चलाने और आवाम पर जबरदस्ती किए जाने के खिलाफ आज SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने शदीद एहतजाज किया। इन्होंने जिला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देते हुए कहा कि इस तरह की जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि समझा बुझाकर वैक्सीनेशन को कामयाब बनाया जाए और आवाम को वैक्सीन के नाम पर हिरासा करने बंद किया जाए। इस मौके पर जिला निपाशा मोहम्मद शफी महबूब, जिला सदर डॉक्टर सोहेल बशीर अहमद, अहमद हुसैन, सैयद बुरान, अजहर सलीम कुरैशी, महबूब मैकेनिक और दीगर भी मौजूद थे। राशन कार्ड करंट का 50,000 दिए तो भी करंट नहीं जुड़ा थे, 50,000 जुर्माना है। राशन कार्ड जाता, आधार कार्ड जाता, कूपन कार्ड जाता, करंट ये जाता, करंट ऑफ तुम्हारा ये कट करे, ऊपर का कट करे, नहीं डाल लिए तो करेंट जाता, हाँ, राशन कार्ड जाता, हाँ, हाँ, बोल के बोल रहे थे। 50,000 जुर्माना नहीं डाल लिए तो अब दे रहे हो ना, बात करते हैं, जुर्माना नहीं डालना बोलता है। मैं सबसे पहले A1 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आज हम लोग यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या है बोले तो, जो रायचूर शहर में वार्ड नंबर 29 और 28 LBS नगर में एक असिस्टेंट कमिश्नर के जानिब से एक प्रोग्राम हुआ कोविड वैक्सीन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ऑर्डर दिया है जो ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जो लेना है वैक्सीन ले सकते बोल के, जो इतना देने के बावजूद भी ये लोग AC के ऑर्डर के मानते हुए डॉक्टर प्रमोद बोल के एरिया के डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी टीचर्स और आके नागेश जो कूपन चला रहे इन लोग आके घरों घरों LBS नगर में वार्ड में पूरा फिर के एक स्लम एरिया है। सबसे ज़्यादा ये जो है ना टारगेट डाले एक दलित लोग है, एक मुसलमान है, एक बैकवर्ड क्लास है बोल के ये एरिया को फर्स्ट आके ये लोग ज़बरदस्ती करके घरों में घुस के ये लोग घर के औरतों को बाहर लगा के वैक्सीन दला रहे, और जो वैक्सीन नहीं दलाते बोले तो उनके घरों को करंट कट करे, और साथ में नागेश बोल के जो कूपन वाला आके उन्हें धमकी देता कि अगर तुम्हें नहीं डाल लिए तो जो है तुम्हारा कूपन रद्द किया जाता है, तुम्हारा कूपन कैंसिल किया जाता है। बोल धमकी देने की वजह से तकरीबन लोग वहाँ पर बिना उनके शहरों के इजाज़त से, बिना उनके माँ बाप के इजाज़त से डालना पड़ा। ये एक UP बिहार में जैसा दौर्जन्य हो रहा है, उसी तरह एक कर्नाटक रायचूर में भी हो रहा है। इसके खिलाफ हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज यहाँ पर DC साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि AC साहब हम लोग बोल रहे, हमारे पास वीडियो स्टेटमेंट भी है उनका पूरा वीडियो जो बोल रहे, हमारे महीप भाई यहाँ पर आए हुए जो इनको बाहर बुलाए, बुलाने के बाद फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लिए है साहब बोल के बताए तो भी इन्हों क्या बोल रहे, नहीं 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 ये लेना पड़ेगा बोल रहे, बताने के बावजूद भी देख रहे नहीं। अगर ये फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लेने के बावजूद भी ये लोग इंजेक्शन दे रहे बोले तो कोविड का, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की मौत हुई तो कौन DC साहब इसका जिम्मेदारी लेते, क्या AC साहब जिम्मेदारी लेते, या डॉक्टर प्रमोद लेते, या नागेश कूपन वाला जिम्मेदारी लेते, या कौन लेते नहीं मालूम। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये एक कानून के लीगल में रहते हुए भी एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया उसके बावजूद भी यहाँ पर रवि
कुमार IAS ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने खुद ऑर्डर दिए थे भाजपा यहाँ पर नहीं लेना है बोल के, राशन कार्ड वगैरह रद्द नहीं कर सकते, करंट नहीं निकाल सकते बोल के। ये लोग अपने हाथ में पावर है बोल के जो मनमानी चाहे वो नहीं करना है, ये गलत है। और एक ये लोग इतने दिन से नहीं करे इतना बड़ा प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम जैसा MLA साहब एक मीटिंग करे कोविड वैक्सीन के ताल्लुक से, जो मंदिर में अगर 100% तुम लोग मंदिर में लगा के वैक्सीन दिलाए तो 3 लाख रुपये डेवलपमेंट दे तुम बोल के बोले, और उसी तरह मस्जिद में कराए तो मस्जिद में 3 लाख रुपये दे तुम बोले, अगर उसी तरह चर्च में कराए तो चर्च को डेवलपमेंट के लिए 3 लाख दे तुम बोले, अगर एरिया में 100% हुआ तो क्या है 15 लाख रुपीस जो है डेवलपमेंट दे तुम बोल के बोले। ये जैसा सुने चूहे में जैसा बिल में चूहे रहते ना उसी तरह उठ को बाहर आ गए पूरे। इतने दिन से क्या कर रहे थे साहब आप लोग, इतने दिन से ऐसा कई को प्रोग्राम डोर टू डोर नहीं करें आप लोग। ऑटो के जैसा पोलियो लसीके के लिए ऑटो में अनाउंसमेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस वाले, उसी तरह DC साहब से अनाउंसमेंट करो डालना है आपको, ज़बरदस्ती नहीं है मगर डालिए तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है बोल के बोलो, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है डालिए तो। डाल लेने के बावजूद भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, एक 75 ईयर्स के जो माँ साहब है उनके घर में ज़बरदस्ती घुस के उनको बाहर खींच लेकर आए आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी टीचर्स, लेके आने के बाद उन्होंने बोल रहे ऑलरेडी मेरे बच्चे नहीं है मेरे शौहर गुजर गए हैं, तो बोलने के बावजूद भी उनके इजाजत के बगैर नहीं डालते बोले तो ज़बरदस्ती लगा के डाले। और उनका जो मसला है वो माँ साहब का ऑलरेडी 10 से 15 दिन पहले उन्होंने आँखें का ऑपरेशन हुआ उनका, ऑलरेडी वो आँखें का ऑपरेशन होने के बावजूद भी वो चश्मा लगा लेकर आके बात करे तो भी उनका थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं करे, अगर खुद के माँ अगर रहे तो ऐसा करते थे क्या? AC साहब और नागेश साहब और आशा कार्यकर्ता और डॉक्टर प्रमोद साहब, आपकी खुद की माँ रहे तो ऐसा करते थे आप लोग? दूसरे की माँ भी माँ होती है, तकलीफ किसको होती है? उनके बच्चों की होती है। आप दिए चले गए उसका दर्द किसका होना है? अब बुखार आया कौन इलाज कराते? आप लोग क्या समझे LBS नगर में डेली सुबह जाके गंज में थैले सीए तो काम करे तो पैसे आते, वैसे रोजी रोटी करने वाले हैं आप, इंजेक्शन दिए गए ये क्या है? ये आप लोगों को पैसा मिलता होगा फंड मिलता है बोल के आप लोग आके ऐसा दौड़जाना करना गलत है। और एक उनको क्या बोले माँ साहब को 50,000 रुपये दिए तो भी करंट नहीं जुड़ा तुम्हें बोल के करंट कट करके गए। रात में 9 बजे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से डॉक्टर हमारे प्रमोद साहब को बात करें तो प्रमोद साहब भी उल्टे सीधे जवाब दिए। उसके बावजूद हम लोग रविचंद्र बोल को जे ही है जस्कम के, उनको बात करें, उनको बात करने के बाद क्या साहब तुम्हारे डिपार्टमेंट से 2 लाइनमैन आके ऐसा कट करे, वो लाइनमैन का नाम आके 2 लाइनमैन के एक आके मैकेनिक शिव कुमार और एक उपाल अप्पा बोल के 2 लाइनमैन आए, 2 लाइनमैन आके वो लोग कट करके गए। कट करने के बाद भी वो इंजेक्शन लिए वो माँ साहब 75 साल के माँ साहब आँखें का ऑपरेशन हुआ तो भी लिए, लेने के बाद उनका करंट देना ना घर का करंट अभी तक नहीं दिए वो लोग। फिर रात में 9 बजे जाके हम लोग रविचंद्र बोल को जी उनको कांटेक्ट करके तुम्हारे लाइनमैन ऐसा करे बोलने थे, इमीडिएटली 2 लाइनमैन को भेजे। मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग भी है रविचंद्र साहब को बात करे तो उनको पूछा मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट से कैसा भेजते साहब ऐसा कट करने, क्या इन लोगों का करंट बिल बैलेंस रखे थे क्या कट करने के लिए बोले तो वो बता रहे कि देखो साहब हमारे को AC साहब काम भी बुलाते हमें इमीडिएटली जाना पड़ता, उसी तरह AC साहब बुलाए जो भी है इसके जिम्मेदार AC साहब है बोल रहे, तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिमांड करती है AC साहब के ऊपर सख्त एक्शन ले, जो उनके एक सीट है वो जो पावर है बोल के उन्होंने पावर का मनमानी नहीं करना है, क्योंकि एक आम आदमी है हम लोग एक कर को खाने वाले हैं। इसके लिए हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आके जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब के पास आके मेमोरेंडम दे रहे हैं, इसके लिए हमारे को इंसाफ दिला है। और हमारे को जो LBS नगर में हुआ है उनके घरों के रास्ते पे महबूब भैया आए उनसे एक दो बात सुनिए। देखो साहब जैसा मैं फर्स्ट PSA साहब को कॉल करा साहब ऐसा दौड़जाना हो रहा है ये लोग UP बिहार करे ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर आके जरा आओ बोले तो उन्होंने क्या बोले PSA हुसैनप्पा साहब मैं कोर्ट में हूँ बाद में बात करता हूँ कट कर दिए। जैसा मैं डॉक्टर प्रमोद साहब को बात किया क्या साहब डॉक्टर प्रमोद साहब तुम्हें आके ठहर के एक हीरो बन के तुम लोग जाके कट करे करंट कट करे आप कट करने के बाद वैक्सीन लेने के बावजूद भी तुम लोग अभी तक करंट नहीं दिए बोलने की दर उन्होंने क्या करे डायरेक्ट CPI साहब को कॉन्टैक्ट करे उन्होंने CPI साहब कॉन्टैक्ट करके क्या करे मेरे को कॉल करे कॉल करके तुम क्या वहाँ पर ये कर रहे देना गुंडागर्दी कर रहे देना बोल के बोले साहब गुंडागर्दी हम लोग नहीं कर रहे यहाँ पर आके वो लोग कर रहे हैं गुंडागर्दी करके ये लोग करंट कट करे ज़बरदस्ती लसीके दे रहे हैं बोलने के बाद नहीं तुम स्टेशन कहाँ बोले हमें इमीडिएटली स्टेशन को गए मार्केट स्टेशन को जाने के बाद CPI साहब कौन है वहाँ पर कृष्णामूर्ति बोल के एक कांस्टेबल है उनको दे बोले फोन उनको दिया मेरा फोन देने के बाद उन्होंने क्या बोले अता बंदा ना एस्ट मंदी बंदा रावल बोले उन्होंने है ना 10 से 15 जने आए बोले हत्या जन बंदर है ना हंगंद्रे 1 तास अर्धा तास कुंद्रस ना बर्तीन बोल को बोले मतलब हम लोग बेकार लोग नहीं है साहब हमारे दूसरे काम है इसलिए हम लोग वहाँ से उठ कर चले गए बाद में आते बोल के साहब फोन करेंगे आते बोले जब साहब फोन करे जब हम एक मीटिंग में थे कई की मीटिंग इसके ताल्लुक से जो वार्ड नंबर 20
79 में जो जबरदस्ती कर रहे हैं उसके ताल्लुक एक मीटिंग में बैठे थे, फोन नहीं उठाए तो फोन ट्रैक करके जबरदस्ती आपको हमारे को अरेस्ट कर लेके गए। पीएसआई हुसैनप्पा और उनके जो कांस्टेबल आए आके करे, ये किसके बुनियाद पे करे बोले तो सीपीआई साहब उनको गालियां दे रहे थे, तुम स्टेशन का एस वाले को कैसा भगाए वहां पर, उन लोगों को पकड़ लेगा नहीं बोलते तुम्हारा सस्पेंड करता हूं वो करता हूं, धमकी देने की वजह से वो लोग आए बोल के बताए हुसैनप्पा साहब। जैसा हम लोग स्टेशन गए, स्टेशन को जाने के बाद तकरीबन एक से डेढ़ घंटा बिताए, सीपीआई साहब नहीं आए, कई गुनी आए वहां पर बाहर, पूरे आवाम उठ को आई थी एलबीएस नगर की, आवाम उठ को आने के बाद वो लेख के 100 से 200 लोग आने के बाद वो लोग देख के क्या करे, सीपीआई साहब को सुना दिए यहाँ लोग इतने लोग आ गए बोलने के, सीपीआई साहब नहीं आए, कई कास्ते नहीं आए नहीं मालूम अभी तक वो किसके, हमें एक एक न्याय जो है हर एक को इंसाफ, एक ऑटो चलाने वाले को अलग इंसाफ, डॉक्टर को अलग इंसाफ, ये आंगनवाड़ी को अलग इंसाफ नहीं देना है, सभी कानून एक के हिसाब से इंसाफ देना है सब। वो एक्चुअली मेरे ऊपर एफ आई आर हुआ से आ बोल के बताए थे, वहाँ जाने के बाद एफ आई आर नहीं हुआ, उल्टा हम लोग एक ऑलरेडी लेटर दिए से किसके ऊपर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर और आशा कार्यकर्ता और नागेश कोपन और ए सी साहब के ऊपर एक्शन ले बोल के दिए, तो एक्शन लेने के लिए जबरदस्ती दिए तो भी वो लोग नहीं ले रहे, आज सुबह बोले सुबह गए तो भी वो लोग नहीं मिल रहे। ये कल एल बी एस नगर में जो है वैक्सीनेशन जो है घर घर जाके जबरदस्ती करा रहे थे, ये वैक्सीनेशन के खिलाफ हम नहीं हैं, वैक्सीनेशन हर किसी को लेना है, कोविड पैंडमिक में हम देखे रहेंगे कितना जो है नुकसान हुआ है, तो इस वजह से जो है वैक्सीनेशन हर किसी को लेना है, लेकिन ज़बरदस्ती घरों को जाकर ऑलरेडी उनके घर में कोई दो भी जो है डोज होने के बाद भी दूसरों को जो है कराओ, नहीं तो करंट कट करते हैं, आपका राशन कट कर करते हैं बोल के एक धमकी देना और उनका घर का करंट भी निकालना, इसके हम खिलाफ़ हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। इसी वजह से जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज डी सी साहब के पास हम आके हमें मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, जो वहाँ के जो लाइनमैन है और वहाँ के जितने भी जो डॉक्टर्स पीएससी सेंटर के डॉक्टर्स हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि हमारे हम जो है असिस्टेंट कमिश्नर के कहने पे हम ये सब काम किए हैं बोल के बोल रहे हैं। तो ये जो है ज़बरदस्ती किसी को भी वैक्सीनेशन करना या ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं करे बोले तो जो है करंट काटना, ये सख्त गलत है। ये रवि कुमार जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका ऑलरेडी उन्होंने स्टेटमेंट दे चुके हैं, ऑर्डर दे चुके हैं कि कोई भी जो है राशन कार्ड वगैरह ऐसा कट नहीं करना है, वैक्सीनेशन नहीं कराए बोल के, तो फिर भी ये क्यों हो रहा है, इसके जो है खिलाफ हम मजम्मत करते हुए इसके ऊपर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसको ऊपर एक्शन लेना बोल के हम ये करते हैं। और वैक्सीनेशन लेने के लिए रायचूर की आवाम को और यहाँ के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको कंसिडर में लेकर एक आवाम के अंदर एक उनके अंदर भरोसा कायम करके जो है वैक्सीनेशन दे, हम वैक्सीनेशन के फेवर में हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और ये ज़बरदस्ती का वैक्सीनेशन और ये घरों का जो लाइन कट करना इसकी हम मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब, हमारे घर को आए थे एएससी साहब और थोड़े 4-5 ऑफिसर आए थे, आके बोले कि वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है बोल के, हम बोले कि ज़रूरी है साहब वैक्सीन कराना, हमारी मालूम है लेकिन हमारी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी उन्होंने एडमिट हुए थे 5 दिन पहले डिस्चार्ज हुए सो है, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़े दिन के बाद मैं वैक्सीन कराऊंगा, उनको आराम होने के बाद बोला तुम्हारा सर्टिफिकेट बताओ, बोले मेरा सर्टिफिकेट बताया, सब कुछ बोलने के बाद भी फिर भी ज़बरदस्ती हमारे घर का करंट काटे, काटने के बाद बोलते कि तुम जब तक वैक्सीन नहीं कराते तब तक तुम घर का करंट नहीं लगाते, ये ज़बरदस्ती एएसएसएफ के ऑफिसर आके सब जना लोग हमारे को धमकी दिए। मैं बहुत सा रिक्वेस्ट किया उनको कि बोला कि हमारे मदर का तबीयत ठीक नहीं है, वैक्सीनेशन थोड़े दिन के बाद कराता हूँ बोल के बोलने के बाद भी तू कहीं वैक्सीन नहीं मैं करंट कट करके बता तो तुम्हारा मैं ये करके बता तो वो करके बता तो बोल के धमकी दी मुझे और कट भी करे करंट। ಏನಂತ ಗೊತ್ತ ನಿಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ, ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿನ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ನಾವು, ಕೇಳ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ನಮಗೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತದ, ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು ಮದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನೆಯಾಗ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೀನಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಪೋಲಿಯೋ ಹನಿ ಹಾಕ್ಸಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗು ಏನಾರ ಆಗ್ಯದ ಪೋಲಿಯೋ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಉಳಿಸಿರುತ್ತೆ, ಹಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತಂದೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಗ ಅದಿಷ್ಟು ಬಂತು,
ನೌಕರಿ ಬೇಕಂತ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮೊದಲ ನಾವು ಬಂದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಮ್ ಬರೀ ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬೈತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದ ನಾವು ದಿನ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು 1000 ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತಡೀತೀನಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸುಮಾರು 1000-2000 ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಅವ್ರು ಯಾರೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಬೆಳ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಜೀವ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಆ ಜೀವ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನರಳಿ ಸಹಾಯತಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದದು ನೀವ್ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಹೊರಗಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಗಿ 2 ತಾಸು ಆಯ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತೋರಿಸೋದು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ರೀ 2 ವರ್ಷದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ